हेलो बच्चों, हेलो। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ? टेल मी फास्ट। हेलो 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 हेलो, आई थिंक मैं लाइव नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को। जल्दी से बताइए बच्चों, मुझे आपके चैट्स नहीं दिख रहे हैं। एम आई लाइव? एम आई लाइव? एम आई लाइव? टेल मी सून वेदर आई एम लाइव। हेलो 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 हेलो। यस अतुल जी, कैसे हैं? मेरे को लग रहा था कि मैं लाइव दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। यस अंजलि बेटा, कैसे हैं? अंकित मेरे भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है? यस अरुण बेटा, कैसे हो? हेलो सलोनी जी। जतिन नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। कैसे हो जतिन? क्या चल रहा है? जल्दी से बताओ। यस आई थिंक एवरीवन इज हियर। सो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ आने का मकसद आप सबको पता है कि CSET के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। CSET जो आपकी एग्जाम है 13 तारीख को। जी बेटा, मैं भी आप लोगों की दुआ से एकदम अच्छा हूँ। खुशबू सर, राजनांदगांव में कौन सी लोकेशन में है अपना घर? मेरा घर है चंद्रा कॉलोनी में बेटा, चंद्रा कॉलोनी में रहता हूँ मैं। बच्चों, सर प्लीज़ मेक अ फुल वो वीडियो ऑन SEB ब्राउजर एंड प्रोसेस डेफिनेटली। सुपान सर, चूंकि मेरे पास मेरा आईपैड नहीं है और मेरा सिस्टम मेरे पास नहीं है, तो सुपान सर इस बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। राम रंग मेरी जान, क्या हाल चाल है? कैसा है बेटा? गोपाल जी कैसे हैं? हेलो गोपाल, हेलो 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 बेटा। यस और बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? अतुल तो आ गया है। प्लीज टेल अबाउट वेबकैम। यस यू विल बी रिक्वायरिंग अ वेबकैम, आपको वेबकैम की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों, ये सारे टेक्निकल इश्यूज जो भी हैं, इस पे सुपान सर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। सर आपकी रेलवे वाली वीडियो देखी? यस भुवनेश्वर में एक स्टूडेंट मिल गए थे, उन्होंने वीडियो शूट कर ली। मैंने उनको कहा भी था कि यार मत बनाना। सर कोचिंग मिस कर रहे हैं। राम रंग या राम री, मैं क्या बोलूँ, मुझे अर्जेंटली निकलना था। सर अभी डाउनलोड नहीं होगा क्या? मेरे ख्याल से सोनिया एक वो मॉक टेस्ट के पहले डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हो आप उस ब्राउजर को। बच्चों, शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, क्या हम लोग शुरू करो? जल्दी से सर, आपकी याद आ रही है? अरे यार तो मेरे भाई, मैं इसलिए मैं आज यूट्यूब पे लाइव आया, मुझे भी आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हेलो अवनी, अवनी हैप्पी दिवाली बेटा आपको भी। सर ईयरफोन इज अलाउड इन प्लेस ऑफ माइक्रोफोन? आई डोंट थिंक सो दे अलाउ ईयरफोन बेटा, बट स्टिल एक बार टेक्निकल सारे इश्यूज बेटा, सुपान सर विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। यस मेरे हिसाब से ईयरफोन अलाउड नहीं है। चलिए तो बच्चों, आज के यहाँ पे आने का मकसद सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, द वेरी फर्स्ट मोटिव ऑफ कमिंग हियर इज, बच्चों सबसे पहले देखिए, अपना 13 तारीख को एग्जाम है और अपने को एग्जाम क्लियर करना है। चाहे कुछ भी हो, वी हैव टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, अब एग्जाम क्लियर कैसे होगा? एग्जाम में क्या करना है अपने को? व्हाट स्टेप्स कैन बी टेक यू नो इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम? तो सबसे पहले बच्चों, एक मैं आपको छोटा सा टाइम टेबल दे रहा हूँ, दैट टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो। सो आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट हो गई होंगी। एवरीवन जल्दी से मुझे बताइए, सब लोगों की क्लासेस कंप्लीट हुई? मेरे ख्याल से इंग्लिश की क्लासेस और इकोनॉमिक्स की क्लासेस अपनी 6 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगी। सो जल्दी से मुझे एक बार बताइए, क्लासेस आप लोग, जैसे लीगल एप्टीट्यूड आपका खत्म हो गया, लॉजिकल रीजनिंग भी मेरे हिसाब से खत्म हो गया है, इंग्लिश BC करंट अफेयर्स भी आपको खत्म हो गया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जल्दी से मुझे एक बार सब लोग बता दीजिए। यस बच्चों, यस। और बच्चों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितने बच्चे हम लोगों, जितने बच्चे आप लोग हैं जिन्होंने क्लासेस देखी है हमारी, एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू पास। आप सब लोग पास होने वाले हैं, आप में से कोई भी फेल नहीं होने वाला बच्चों। तो ये एक अनाउंसमेंट मेरे साइड से है। तो मैं दो तीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब बच्चों चलिए जल्दी से, अपना टाइम टेबल कैसा होगा? तो बच्चों यस अंजलि बेटा, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। अब अगला वो ये है कि यार अपन कल जो है, कल और परसों, कल नरक 14 से परसों दिवाली है, ये 2 दिन भी बच्चों अपने को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अपनी एग्जाम जो है वो 13 तारीख को है। ठीक है, सो वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी। सो अब टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए बच्चों? हाउ द टाइम टेबल शुड बी, अपना टाइम टेबल जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ याद रखिए बच्चों। अब मैं देखिए, कल कल का दिन जो है, कल यस यस यस, तो
तो बच्चों कल जो है, कल आपको कल के दिन और परसों के दिन, बच्चों कल के दिन आपको 6 घंटे पढ़ना है और परसों के दिन भी आपको 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो कल आप सुबह 10 बजे, सुबह मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 से लेके 1, 6 घंटे का टाइम है। 6 घंटे में से आपको 5 घंटे पढ़ना है कल के दिन, और परसों के दिन भी आपको 6 घंटे में से 5 घंटे पढ़ना है कम से कम। उसके बाद का टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मतलब फेस्टिवल मोड में आ सकते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन करंट अफेयर्स, बेटा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, बिलीव कीजिए मेरा अश्वति मैम का सब्जेक्ट है, वो आपको एकदम अच्छे से होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस मैम के आप लेक्चर देखिए। और करंट अफेयर्स भी कल्पक सर का है, तो कल्पक सर से आप बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, बट मेरे हिसाब से आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, बिकॉज कल्पक सर की जो पढ़ाने की स्टाइल है वो भी अपने आप में काफ़ी बेस्ट है, तो करंट अफेयर्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस आप देखिए कॉन्फिडेंस रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट की किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट की है वो है एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम में किसी भी प्रकार की चीटिंग मत कीजिएगा बच्चों, ईमानदारी से एग्जाम दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और किसी भी ग्रुप के थ्रू किसी भी प्रकार की चीटिंग मत कीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। हेलो यश, यश मेरी जान क्या हालचाल है, और पंछी कहाँ है अपने दोनों ना। तो बच्चों कल और परसों मैंने आपको बता दिया, अच्छा ध्यान देखिए, कल पूरा दिन आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है, कल पूरा दिन आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है, सब लोग ध्यान से सुनो, सुन रहे हो मेरी बात, कल पूरा दिन आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है, परसों का पूरा दिन आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। 5-5 घंटे में आपको दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ये जितना हो सके आप उतना पढ़िए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे जो आपकी नेक्स्ट डे आपकी जो हो गई, हेलो साक्षी, हेलो अपने घर में है सब, ओके ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। तो बच्चों सबसे पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि 2 दिन जो है आप कम से कम 5.5 घंटे आप लोग पढ़ेंगे, जस्ट मेक मी अ प्रॉमिस एवरीवन, 15 लोग मुझे देख रहे हैं, जल्दी से मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग कम से कम 5.5 घंटे पढ़ने वाले हैं आप लोग, जल्दी से मेक मी अ प्रॉमिस, सब लोग मुझसे एक वादा कीजिए बच्चों जल्दी से। हेलो वैष्णवी बेटा कैसी हो, दिव्यांश मेरे भाई कैसा है, येस मेक मी अ प्रॉमिस दैट यू नो यू नरक चौदस एंड दिवाली बोथ द डेज यू आर गोइंग टू स्टडी एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 10 10 आवर्स, 5.5 आवर्स एवरी डे दोनों दिनों के लिए। हेलो अंकित, चलिए दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस, पक्का वाला प्रॉमिस, दैट्स ग्रेट जतिन, दैट्स रियली नाइस बेटा, चलिए। तो ये मेरा पहला चीज़ था, ठीक है। तो और आपको पढ़ना भी क्या है, एक दिन लीगल एप्टीट्यूड पढ़िएगा और एक दिन लॉजिकल रीजनिंग पढ़िएगा, दैट्स ग्रेट साक्षी बेटा। अब बच्चों देखिए ध्यान से, हेलो राहुल मेरी जान क्या हाल चाल है। सो अब मैं आ जाता हूँ अगले दिन, मतलब कल, मेरे ख्याल से कल 3 तारीख है, 3 तारीख और 4 तारीख होगी, 5 तारीख, 5 तारीख को अपने स्टडी के आवर्स हो जाएंगे 7 घंटे के, सुनिएगा ध्यान से, 5 तारीख को अपने को 7 घंटे पढ़ना है, सुनिएगा ध्यान से, लिख लीजिएगा, 5 तारीख को अपने को 7 घंटे पढ़ना है। पढ़ने का आर क्या रहेगा, सुबह 7 से लेके 11 बजे तक, ये हो गया 7 से लेके 12 बजे के बीच में 5 घंटे होते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा 8, 9, 10, 11, 12, 7 से लेके 1 बजे तक, 7 से लेके 1 बजे तक के जो 6 घंटे हैं इसमें से आप 5 घंटे पढ़िएगा, और उसके बाद दोपहर को 4 बजे से लेके 6 बजे तक में 2 घंटे, या 4 से लेके 7 बजे तक, 3 घंटे का टाइम है, बट इसमें कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई कीजिएगा। और इस दौरान अच्छा बीच में आपके लेक्चर्स भी हैं, 6 तारीख को मेरे ख्याल से इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन का लास्ट लेक्चर है, तो आपका सिलेबस उस दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतने टाइम के अंदर बच्चों आपको पूरा पूरे का पूरा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। तो 7 तारीख, 4, 5, 6 तारीख हो गई आपकी करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 12-13 घंटे अभी रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एग्जाम क्लियर करने हैं,